क्या डाल रहे हो अंकल? ये इमली चटनी सेक्सी मानी गई है। अच्छा, डाल दी गई है मतलब सेक्सी के ऊपर और सेक्सी बना दिया इसको। ऊपर से डाल दी गई चटनी, इमली चटनी सेक्सी है जी। और ये ऊपर से चमचा लगा दिया गया। ये देखिएगा हमारी बढ़िया सी, जब आप खाएंगे इसका नाम है सी विटामिन। आज हम आपको लेकर आ गए एक बढ़िया सी जगह पे, अंकल जी से मिले। नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? नमस्ते, कैसे हो? ठीक है। क्या खिलाते हो आप? छोले कुलचे रखते हैं। छोले कुलचे, तो ऐसा क्या है आपके छोले कुलचे में एकदम अलग? खाने का अपना अपना जायका है, लोग जायका ढूंढते हैं। अच्छा, साफ सुथरा है, टेस्टी है। तो ये खुद बना के लाते हो घर से? हाँ, यहाँ साफ सुथरा खुद बनाते हैं। अच्छा, तो हमें भी खिलाओ एक प्लेट। कैसे बनाते हो? बनाएंगे, खिलाएंगे। तो कितने साल हो गए आपको छोले कुलचे देते हुए? अभी तो देखो काफी साल हो गए, 42 साल से भी ऊपर होते जा रहे हैं। 42 साल से भी ऊपर हो गए होते जा रहे हैं। क्या बात है गाइस, तो आप ग्रीन पार्क में घूमते हो? नहीं घूमते तो नहीं, काम करते हैं जी। अच्छा, घूमते काम करते हैं, काम कहते हैं। अच्छा, आप भी आयो वीडियो बनाने, तो आप भी कोई काम से नहीं है तो काम बोलते हैं इसको। अच्छा, तो मतलब एक जगह फिक्स है आपकी या फिर पूरे ग्रीन पार्क में? यहाँ रहता हूँ किशन नगर में, 111 ए में, किसानगर। अच्छा, ये तुम्हारे सब दिन के लिए मैं पढ़ता। तो ग्रीन पार्क में किसी को आना हो तो कहाँ पे मिलोगे आप? नहीं ऐसे नहीं बताते, कई लोग 2 घंटे पहले पूछते हैं, 3 घंटे पहले। अच्छा, तो नहीं बताते। ग्रीन पार्क की गलियों में घूमते हो? उस टाइम आना चाहे, घूमना नहीं कहते, काम ही कहते, काम बोला करो। अच्छा, काम बोला, क्या काम करते हो? छोले का काम करते हैं। चलो अंकल, एक प्लेट लगा दो हमारे लिए भी। उसको काम बोलते हैं, एक प्लेट लगा दो हमारे लिए। वो लवज बन गया है, घूमते नहीं है बेटा, घूमना नहीं बोलना। चलो अंकल, एक प्लेट लगा दो हमारे लिए भी। ये देखिएगा मतलब इनका सेटअप देखो, कितने बढ़िया से सेटअप बनाया हुआ है अंकल ने। ये आगे कुलचे, तो ये कुलचे भी आप अपने बनवाते हो स्पेशल? नान कुलचा है ये, देखो क्या बात है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया, मतलब अच्छे से सिक्योर है ये ताजे कुलचे। हम लोग जो कुलचे जो देते हैं ना गर्मियों में, हम कुलचा गर्म नहीं करते, कैसे इसको ऐसे ही मुलायम करके रखना पड़ता है। अच्छा, जो छोले होते हैं वो गर्म होते हैं? हाँ जी, सूख जाते हैं। अब हर चीज तो हर मौसम में नहीं देते हम लोग, सर्दियों में लोग गर्म कपड़े आ जाएंगे, गर्म पोशाक आ जाएंगे, सर्दी में, सर्दी में फिर हमारे पास तंदूर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? ऐसी बाल्टी में तंदूर लगा होता है। अच्छा, तंदूर लगा के लाते हो? दो टून वाला है, कॉलेज से भी चालू होता है और गैस लगी रहती है। अच्छा, मतलब इसी साइकिल पे पूरा सेटअप करके लाते हो? हाँ जी, पूरी सेटअप करके लाते हैं। ये देखिए गाइस हमारी लग रही है एक प्लेट। एक प्लेट में कितने कुलचे होते हैं? 4 कुलचे। और कितने की रहती है एक प्लेट? ये तो 100 रुपए की है। 100 रुपए की। और अगर किसी को हाफ लेनी हो तो? हाफ लेनी तो हाफ ही होती है, उसे 2 आगे लिखा हुआ होता है। अच्छा, ये देखिए गाइस, ये इनका पूरा कार्ट है, इस पे इनका नंबर भी मेंशन है। अगर आप 2 पीस लोगे तो वो 40 रुपए के है 2 पीस, और 4 पीस लोगे तो 80 रुपए के है। 80 वो जो अलग होते हैं, 40 वाली यहाँ पे सादा होती है। अच्छा, ऐसे यहाँ पे लिखा है ना। तो ये चना मसाला कुलचा कुलचे छोले, इसमें क्या होता है? हाँ, ये जो आपने पूछा सही पूछा, अभी हम लोग गर्मियों में बंद कर दिए हैं पनीर वाले धनिया वाले। अच्छा, अभी यहाँ पे कई महीने हो गए हैं, अब जरा मौसम बनेगा ना तो पनीर वाले और धनिया वाले चालू करेंगे। तो अभी आप हमारे नॉर्मल वाले छोले कुलचे लगाओ, सिर्फ 2 पीस लगाना हाफ प्लेट। ये कौन से हैं? ये सादा कुलचे होते हैं, ये भी बढ़िया होते हैं। ये कितने की रहती है एक प्लेट? ये फुल प्लेट 80 की है, 40 की हाफ प्लेट। अच्छा, तो हमारे लिए हाफ सादे वाले कुलचे लगा दो हाफ प्लेट। ये देखिए गाइस, ये ले लिए बढ़िया से एकदम नरम कुलचे लेंगे हम। ताजी होते हैं, और अगर गर्म करने की खाने के लिए ज्यादा ही शौक होता है कि हाथ जलता हुआ, जवान जलती हुई, बहुत लोगों की आदत होती है, तो वो अपना कर सकते हैं, अपने घर में जाके कहीं भी कुछ मक्खन लगा सकते हैं, अमूल मक्खन लगा सकते हैं। मान लो हम सबको देते हैं तो ऐसा ही हम सबके लिए देते हैं। अच्छा, और मतलब ठंड के टाइम पे आप यहाँ पे वो लगा देते ताकि गरम गरम कुलचे। हाँ जी, अभी आप खाएंगे तो आपको खाते टाइम गर्मी नहीं लगेगी, और आपको टेस्ट का पूरा पता लगेगा कि हाँ जी क्या टेस्ट है। तो अंकल सुबह कितने बजे आते हो आप? देखिए हम लोग भजन पूजा करके, और हम लोग आते हैं करीब 10:30 बजे, 10 बजे निकलते हैं हेडो पे अपना, यहाँ से किशन नगर से 111 ए से। अच्छा, 7 नंबर गली किशन नगर बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, और कितने बजे तक होते हो शाम को? शाम का कोई टाइम नहीं होता है, बड़ी आराम से शाम को भी काम चलता है, नाइट में भी काम करते हैं। अच्छा, नाइट में भी करते हो? हाँ, कभी कभी क्या होता है कि नाइट का भी खाना फिनिश हो जाता है तो फिर जरा जल्दी चले जाते हैं, वो बात अलग होती है। अच्छा, तो एक प्लेट हमें भी खिला दो अंकल, हम भी टेस्ट करके देखें कैसे आपके छोले कुलचे। नाइट में भी काम करते हैं, जो खाना है ये तो रातों दिन देखते जाओ, रातों दिन दिखेगा कि टेस्टी छोले कुलचे हैं, फुल सेक्सी है। सेक्सी है, हाँ जी, देखो क्या बात है। ये देखिए गाइस, मतलब इतने बढ़िया तरीके से ट्रे बांधी हुई अंकल ने। एडवांस होते हैं, हां जी, अपनी मस्ती में खाते हैं तो लोग ट्रे भी ले जाते हैं, गाड़ी में रख लेते हैं, इसलिए हमने बांध के रखी है। अच्छा, ताकि कोई लेके ना जाए। हां जी, एडवांस होते हैं ना, खा के लोग रोड पे फेंक देते हैं, हमने पहले बांध रखी है, हमारी ऐसे कई बार ट्रे चली गई है। क्या बात है गाइस, ये देखिए यहाँ से जो अंकल हमारे कुलचे निकाल दिए जी, आगे बढ़िया से एकदम सॉफ्ट से कुलचे, इतने मुलायम होते हैं। देखिए 2 कुलचे हैं, इसको लड्डू बनाना चाहो, कुछ भी बनाना चाहो, बॉल बनाना चाहो, और यहाँ से कह दो जी खुल जा, खुल जा, अरे भाई साहब खुल जा, खुल जा। क्या बात है, देखो ये कोई जादू नहीं है, हाथ का, हाथ की सफाई होती है जी। क्या बात है, अंकल के पास आओ तो पूरा एंटरटेन भी कर दिया अंकल, और हाँ जी बना दिया, सब कुछ बना दिया, और वो हाथ की सफाई होती है, ऐसे अगर लोड बनाने लगे तो फिर क्या भी। क्या बात है, मतलब अंकल के पास छोले कुलचे खाने आओ और पूरा एंटरटेन होके जाओ, है ना। क्या बात है गाइस, मतलब यहाँ पे मैंने देखा था, इधर लिखा हुआ है अमृतसरी पीपे वाले कुलचे, पीपे का मतलब क्या होता है अंकल? ये पंजाब की तरफ से आया है। अच्छा,
की तरफ से आया है, मून मंडी अमृतसर से भी अपना सीखा, अपना चले वहाँ से फिर दिल्ली में आए। नहीं अच्छा, दिल्ली वाले यहाँ के कोई भी सीख सकता, जैसे काम है काम का कोई भी काम सीख सकता। अच्छा अच्छा, तो हम तो इधर के रहने वाले हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ से निकलेंगे हमारे कुलचे और छोले। ये छोले हैं, ये देखिए बढ़िया से छोले। रात में भी छोले खोलते हुए निकलेंगे। क्या बात है, ये मटरा नहीं कराते हो? गर्मी नहीं लग रही? ये मटरा है अंकल? नहीं मटरा नहीं बोलते हमारे छोले का नाम देखे बेकते हैं ये लोग। मटरा गोल होता है बॉल की तरह, ये गोल नहीं होता है, ये चने की पहचान अलग होती है। इसको कहते हैं काबली छोले। काबली छोले, हाँ जी। इसमें भी छोटे बड़े छोले होते हैं, कोई डॉलर में खाया जाता, बोला जाता है ये डॉलर है बड़ा है। तो हमें कोई प्राक में किसी चीज में दिखाया नहीं जाता, हमें तो अपना टेस्ट दिखाया जाता है। क्या बात है, तो ये आप सुबह खुद बनाते हो? मार्केट बनाती है, साथ में लगे रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, पूरा परिवार लगा रहता है, बड़ी प्रेम से बनाया जाता है, नहा धो के बनाया जाता है। ऐसे नहीं उठते ही बनाने लगे, नहीं नहीं, मतलब पहले पूजा पाठ करते हो, नहाते होते हो। वो कहते हैं पहले पूजा पाठ फिर कर्म पूजा, कर्म भक्ति होती है अपनी, तो अपना कर्म करने चलते हैं। क्या बात है, तो भाई जब अंकल लगाएंगे हमारे लिए प्लेट। ये देखो आपका छोले निकल रहे हैं यहाँ से, जो हमारे बढ़िया से मसालेदार छोले आ गए हो, मतलब एकदम अलग सा कलर है छोलों में, मैंने ऐसे छोले कभी नहीं खाए। किसी चीज से खा सकते हैं, ब्रेड से, रोटी से, भात से, कचौड़ी से, पूरी से, और अगर आप चावल से खाना चाहें और छोले जाम है गाढ़े हैं तो हमारे छोले में गर्म पानी भी डाल सकते हैं। अच्छा, और चावलों में डाल के खा मिक्स कर सकते हैं, खोलता हुआ पानी होना चाहिए उसमें डाल दिया जाए तो इसमें और नहीं होता है। देखिए कोई कपड़े में दाग नहीं लगा हुआ, तली हुई चीज़ों में क्या होता है, ऐसे कचौड़ी है वो अपने पहलवानों का खाना है। ये पहलवान लोग कचौड़ी पूरी, कचौड़ी पुआ, कचौड़े ये सब नहीं खाते हैं, पकौड़े ये तली हुई चीज़ होती है, ये तली हुई आइटम नहीं है, ये चने होते हैं। देखो बाइट बाइट नजर आ रहा होगा कहीं भी ये देखिए, मतलब इतनी सफाई से जो अंकल है बना के आते हैं अपना पूरा सेटअप। ये देखिए, ये आ गया प्यार। अब छोले बहुत गर्म है, फिर लेमन से ठंडे कर दिए जाएंगे। अच्छा, लेमन से ठंडे करके दोगे? हर किसी को बताओ, किसी को चक्कर आ रहा हो तो पहले उसको ये नहीं बोलते कि भाई लेमन का पानी पिलाओ, यानी धूप में गर्मी में आ रहे हैं तो इनको ये देखो नींबू ठंडा होता है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, नींबू ठंडा होता है? नींबू ठंडा होता है, ये मौसम के हिसाब से होता है, अभी गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ठंडा है। ये देखिए गाइस, अंकल कह रहे एकदम गर्मा गर्म छोले हैं। देखो नींबू लिया और इधर एक छोले और ऊपर से हमने ठंडे कर दिए, हाँ जी, और ठंडे करने के बाद ये हो गया खट्टा, और खट्टा सेक्सी होता है। खट्टा सेक्सी होता है, क्या बात है। अब कई लोग कहते हैं ये कोई बीमारी कोई वैसे नहीं कोई बनाया, ऐसे चीनी है जी, क्या डाल रहे हो अंकल? ये इमली चटनी सेक्सी मानी गई है। अच्छा, डाल दी गई है, मतलब सेक्सी के ऊपर और सेक्सी बना दिया इसको, ऊपर से डाल दी गई चटनी, इमली चटनी सेक्सी है जी, और ये ऊपर से चमचा लगा दिया गया। ये देखिए गाइस, हमारी बढ़िया सी, जब आप खाएंगे इसका नाम है सी विटामिन, ये है सी। ये देखिए, ये सी विटामिन ऊपर मांगने पर बैन लग रहा है, इसमें मांगने पर मिलेगी। अच्छा, बैन लग गया इसका? हां जी, हां जी, तो ऐसा ना मिर्ची का मामला होता है, तो मिर्ची का ये है कि मिर्ची लगेगी तो आदमी का ये रहेगा भाई मिर्ची लगी तो इलाज नहीं है, अपने मांगने पर मांगे जब मिर्ची मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, ये देखो ये सी विटामिन, ऐसे लिखा लो। ये देखिए गाइस, विटामिन सी भी डाल दिया अंकल ने, जिसको खाते ही सीसी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सीसी करेंगे विटामिन, अंदर सीसी करना बंद कर देंगे विटामिन बाहर। अरे भाई साहब, क्या बात है। ये देखिए गाइस, ये आ गई हमारी प्लेट, चलते हैं टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं। तो गाइस, ये आ चुकी है हमारी बढ़िया से सेक्सी वाले छोले, अंकल ने जो बनाए थे उसके साथ विटामिन सी दिया और बढ़िया से नरम से कुलचे दिए। देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं छोले, एकदम अलग कलर आ रहा है, तो चलते टेस्ट करते हैं। ये ले लिया एक बाइट हमने, ये आ गए बढ़िया से छोले, इसके ऊपर अंकल ने चटनी भी डाली थी, नींबू भी डाला था। हुई मतलब जो अंकल ने जैसा बताया था ना कि कुलचे जो है वो बहुत ही नरम है, और जो छोले हैं ना, मैंने आज तक ऐसे छोले कभी नहीं खाए। मतलब स्ट्रीट साइड अगर आप खाओगे स्ट्रीट साइड, तो उसमें क्या होता है कि बस मसाले भरे होते हैं, लेकिन इसमें जो टेस्ट आ रहा है ना, बहुत ही अलग टेस्ट आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये अंकल जो है ना, इनकी कोई और ब्रांच नहीं है, बस एक ही अंकल है, मतलब इनके पास ये नहीं कि औरों को इन्होंने दे रखी हो साइकिल बेचने के लिए। अगर आपको ये वाला टेस्ट खाना है ना, तो आपको आना पड़ेगा ग्रीन पार्क में अंकल के पास। अगर आप लोग आए तो हमें कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। तब तक आ जाके हमारे ब्लेजिंग फूडी पेज को फॉलो कर लीजिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।